अधिकारी साथी लोकायुक्त से आए हुए रमन गौतम जी एवं उनके उनके ऑफिस के कार्यालय के अपने पदाधिकारीगण सदस्यगण ऑफिसर हेलो संपदा तथा प्रोटोकॉल से आए हुए साथीगण इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया से आए हुए साथीगण सीआईडी तथा अन्य कार्यालयों से आए हुए साथीगण और मेरे सचिवालय परिवार के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी साथियों, मैं सर्वप्रथम आपका इस जनरल हाउस में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का जो जनरल हाउस है वो जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां जो चल रही हैं उनके विरोध में है। आज सचिवालय का ही नहीं पूरे प्रदेश के कर्मचारी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, जब तो इनके खर्चों की बात आती है तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सचिवालय अगर कोई कर्मचारी अगर कुछ थोड़ा सा कुछ मांग ले तो कमी ही कमी दिखती है। साथियों, अगर हम सचिवालय की बात करें तो यहाँ पे सभी कैडर के लगभग 650 पद खाली हैं। सोचो सरकार कैसे चलेगी। अगर मैं क्लेरिकल कैडर की बात करूं तो क्लेरिकल कैडर के 350 के पद के लगभग खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टरी के 77 पद खाली हैं और लॉ ऑफिसर के 17 पद खाली हैं, क्लास 4 के लगभग 200 पद खाली हैं, ड्राइवर के लगभग 10 पद खाली हैं। हमारा एक कर्मचारी साथी इतने स्टाफ की कमी होने के कारण एक एक कर्मचारी साथी दो दो सीट का काम करने के लिए मजबूर हो रहा है और प्रताड़ित हो रहा है साथ में। साथियों, सरकार के आर्थिक सलाहकार जो हैं इनके पास और कोई योजना नहीं है। अगर इनसे पूछे कि प्रदेश का आर्थिक संकट से कैसे उबरा जाएगा तो इनके पास केवल एक ही फार्मूला मिलता है कि कर्मचारियों पर कट लगा दो। साथियों, आपने देखा ही होगा जब भी कहीं भी ये आंकड़ा दिया जाता है, सभी लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद है सचिवालय में और तो जहां पर आज जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सचिवालय के जो एम्प्लॉइज है आज गेट मीटिंग कर रहे हैं और गेट मीटिंग आपको बता दें कि इनके जो भत्ते हैं काफी समय से जो भत्ते हैं वो यहां पे नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो डीए की बात करें चाहे एरियल की किस्त की बात करें तो वो यहां पर नहीं मिले हैं। तो उसको लेकर उसके विरोध में लेकर जो है आज गेट मीटिंग यहाँ पर सचिवालय के यहाँ की जा रही है। कर्मचारी जो है काफी भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। साथियों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान श्री टेकराम जी से आए और अपने जोशीले विचार रखें। श्री टेकराम जी, धन्यवाद। सबसे पहले भाइयों का स्टाफ को सब खाना खाया हाथ पीछे प्लीज आके हमारे पीछे थोड़ी देर में यार कुछ नहीं है। हम बाहर की दुनिया देखी तभी व्यवहार नहीं है कुछ नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों। देखो आज तक मेरी भी 32 साल नौकरी हुई कि मेरे सामने सबसे पहले भी फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। साल की इंक्रीमेंट भी मिलती थी और दिवाली या किसी में कोई ना कोई मिलता था, कई सीनियर है हमारे को रिटायरी भी है। आजकल खत्म हो गया तो होना नहीं है। 3 लाख गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी में पहुंच गई है। 3 लाख की गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी हमारे यहाँ सोसाइटी होंगे या शायद इनके पास बिल आए उन्हें कंपनी वालों की थोड़ा या आप चुप रहने बड़ा काम नहीं है। सबसे ज्यादा गंद जो पाया हुआ हमारे चीफ सेक्रेटरी ने पाया हुआ है। सबसे ज्यादा मैंने बहुत फाइनेंस सेक्रेटरी देखे, फाइनेंस में भी ऐसा किया। मेरे को तो भाइयों ने ऐसा कर दिया
हमारी प्रमोशन होती थी 18-20 साल के बाद, बोले हम चला गए लेबल से बाहर, इन्होंने लगा दिया हमारे को थर्मामीटर। इनको नहीं लगा कोई थर्मामीटर, इनको चाय पानी के लिए भी 5-6 हजार रुपए कुट्ठी का, ये तो पानी पिलाना 2000 सू सकते हम इनका। या मुख्य सचिव के साहब बड़े बोलो बोला कभी चाय पियोगी, मैं नौकरी से जाए लूंगा प्रधानगी से, नहीं मेरे पता इनका भी क्या है क्या नहीं। आज तक इतना हुआ ही नहीं, फाइनेंस में भी जड़ पटी, मुख्यमंत्री मोदी को पता लग रहा है ग्रह शनि ग्रह बैठा हुआ ऊपर, ये जो किसान खड़ा हुआ शनि देव खड़ा हुए है, ऐसे अफसर हमने नहीं देखे आज तक। मैं हरियाणा से नहीं है, कई अफसर वो भी थे जिनने 9-7 किया दिल्ली से, 7-5 किया, 4 किया, वो भी तो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी IAS थे, ये तो काल बिछाड़े हुए यहाँ ऐसे काल को मत करो। चीफ सेक्रेटरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्य सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मारे को तो एग्रीमेंट भी बंद, 100 पोस्ट है मैंने, मेरे को किसी ऑफिस ने दी है 11 महीने पहले, अभी तक कैबिनेट में नहीं जा रही हो। 11 महीने पहले आप क्लास 3 से पहले लिए मैंने, पर अभी तक नहीं। उसका खर्चा बहुत है, इनका टेलीफोन का खर्चा अब देखना आपने, अभी तो आज शुरुआत है, मेरे को 5 मिनट दिए आज, ये 10 तारीख के बाद यहाँ देखना दूसरे नंबर पे आता हूँ मैं, पहले नंबर पे क्लास 3 भाई आते हैं जनसंख्या में, दूसरे नंबर में स्टेट में मैं आता हूँ, इनकी धज्जी उड़ाएंगे हम, तभी सूत में आएंगे ऐसे नहीं आएंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। नहीं अपने आप इनको कौन सी बीमारी है जो 60-60 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, देख रहे आप हमारे दुश्मन है बाबू, डील भी करते हैं बाबू हर चीज में, बुरा नहीं माना आपने, थोड़ा समझा की बंद करो, अगर बोले ना सर जूते मारिए लोग तब आएगी इनको होश भाई, वाकई ऐसा है। मैं बोलता हूँ अगर ये 5 डेज भी रखे 2 दिन बंद करे ना गाड़ियों को, डीए क्या कोई कमी नहीं आएगी, कहाँ से प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गेटों में बोलते भाई भय बहुत ही अन्याय है, चंबा पांगी से जो आते बेचारे मिलने वो 2 बजे तक अंदर नहीं आ सकते हैं, जब बाहर से आते हैं काम के लिए आते हैं, और अंदर ठेका, ठेका क्यों दिया, क्योंकि ठंडू साइड बड़े बच्चे भांडे नहीं मारे इनकी कोठी में, इनको कोठी का प्रबंध अपनी लाड़ी का और अपना प्रबंध है, बाकी कोई नहीं इनको, इनको कोई चिंता नहीं है, गलत बोलते हैं कि हम चला जाते हैं। पीछे मुख्यमंत्री मोदी जी ने बोला हमारे को, पांच जोशी जी, मैंने बोला मेरा या क्लास 4 से या गैस्ट्रिक से एरियर वगैरह, मेरा जी 1 साल से चलाओ जरूर नहीं, अपने आप जान सार देना, बोले ओके, उतने में चला गया नॉर्थ मुनी और मैं नगर, ये नॉर्थ मुनी गए और ऐसी गेम खेल गए, है ही नहीं जी, बोले है कहाँ से, एडवर्ड में गाड़ी, चर्सी में गाड़ी, लाड़ी को गाड़ी, सब्जी मंडी को गाड़ी, अपने खर्चे देखो ना, बाकी कोई ऐसा नहीं है, कोई घाटे में नहीं है मतलब। मैं बोला 5 डेज या करो इनकी गाड़ी का हिसाब किताब करो, रखो इनको नापो, बोला कोठियों से सेक्टर कितना किलोमीटर है, सब डिपार्टमेंटों की गाड़ियां भी खा के सेक्टर की तो खाएंगे, ये नहीं रह सकते भाइयों। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेठ राम जी, बहुत जोशीले विचारे मैंने अपने रखे। इनकी बात में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अब अधिकारियों की गाड़ी एक धनिया लेने भी जाती है तो बताइए कि वो धनिया का खर्चा ज्यादा होगा कि यह गाड़ी का खर्चा ज्यादा है। और देखो और क्या कर दिए ने, चाल और सोर्स में लगे बच्चे, अपने आप 3 लाख वाला उंगली नहीं अदाल में आएगा, कैमरे में नहीं आएगा, शर्म लगती है इनको, और सोर्स वाले लगा दिए मशीनों में आ जाइए, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, इदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, इदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो।
ये तो मैंने अभी थोड़ा दिखाया हुआ है, 10 तारीख के बाद हमारा जो जारी रहेगा, ये नहीं सुधर सकते, मुझे पता है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता मीडिया भाई का, सबसे पहले मुख्य सचिव को जानी चाहिए, उनके मोबाइल में पता लगे वाकया मेरे कारनामे क्या है। रे रा 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 यहाँ लगाना अपना नीचे गेट बंद कर दिया, इनका डेरा लगा देगा, ये भागने के चक्कर में नहीं यहाँ से अब कुपड़ सीधा हो गया यार। अरे मैंने पहली बार देखा, बुरा नहीं माना, सब भाई बोलो पहले फाइनेंस में वो अभी इसने कट बल्ट, ये तो मार्केट बढ़ा लाया हमारे को, क्या काम किया अभी बोलो। और ये और सोच कभी कोई मशीन में, कल मशीन में हाथ नहीं लगाएगा, ये मैंने यहाँ सचिवालय प्रशासन को भी बोला और थोड़ा सा कौर साहब को भी ध्यान रखे, मेरे को अगस्त का टाइम दिया हुआ अगले महीने सितंबर का, सितंबर के बाद ही बांग्लादेश बन जाएगा या ये दुआना मैंने भाग, शर्म होनी चाहिए उनको, हिमाचल की रोटी जाती है यहाँ से, हिमाचल का शान है ये, एक को फंसे हमारे पीछे, अपने आप करो ना थोड़ा कट। मैं बोला अगर दो दिन भी अगर हफ्ते की गाड़ी है चुप रह गई है अगर घाटे में, मैं मानूंगा 6 महीने मैं बोलूंगा भाइयों रुको, इनके पेट्रोल पंप से थक गए मारे चालक भाई, फिर लगी है मीटिंग है, मीटिंग का है कि वो लाडी बच्चे की वो तो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो लिखो डिपार्टमेंट ने लिख रहा कुछ ना कुछ, वो मीटिंग कोई मीटिंग वाटिंग नहीं है, इनकी नीत खराब है, इनको इनको यही शब्द अच्छे लगेंगे, ऐसे हम ऐसा बहुत मार खा देते हैं, हमें बहुत मांस मानते, क्लास फोर सबसे खराब है, कैसे खराब है, अरे ये ताड़े ना चाबी हमने, इनको पता नहीं अभी भाई क्या होगा क्या नहीं, हमने बहुत छोटा सा सिग्नल दिया आज, आज मेरे को 5 मिनट दिए थे जनरल सेक्रेटरी साहब का, महामंत्री जी का धन्यवाद, थोड़ा दिल में बहुत है भी, पर कल के बाद कोई और सोर्स वाला जो है कोई हाजिर गएगा, सिस्टम लाओ यार, नई बात है, इन बच्चों के साथ भी क्या हो रहा है, यहाँ से 15,500 और इनको 9,500 बाकी क्या जा रहा है, ये सारा मेरे को लग रहा है ये यही जा रहा है, इस कुंड में जा रहा है पैसा, बंद करो बंद करो बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो, धन्यवाद। अब 10 तारीख के बाद ही कुछ रखू मैं अपने लिए माल धंधा, बस बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का, थैंक यू, धन्यवाद प्रीतम जी आपका इस जोश भरने के लिए। साथियों मैं आपको इस मंच से अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे को इस संगठन को, इस महासंघ को प्रदेश के बहुत सारे कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है, मैं उनमें से कुछ संगठनों का नाम गिनाना चाहूंगा, श्री आत्मा राम जी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल पेंशनर एसोसिएशन, श्री भूप राम जी, श्री मदन जी सेक्रेटरी पेंशनर एसोसिएशन, श्री प्रकाश बादल जी हिमाचल प्रदेश वन एसोसिएशन, पवन जमवाल जी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा, आशा राम जी अध्यक्ष म्युनिसिपल एम्प्लॉय फेडरेशन, श्री राजकुमार जी HPTDC एम्प्लॉय एसोसिएशन, श्री कपिल ठाकुर जी, श्री और हाई कोर्ट के हाई कोर्ट से, IGMC से और भी अन्य कई कार्यकारिणी का हमको फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हमारा पूरा समर्थन है, जो भी सचिवालय की रणनीति बनेगी हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग देंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों जो इन्होंने हमें समर्थन दिया है उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तालियां बजाकर इनका धन्यवाद करें। साथियों मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि ये जो सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं सरकार को भी बर्बाद कर देंगे जिस तरह की सलाह इनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास किसी पैसे की कमी है,
सरकार देना चाहे तो उन्हें डीएलए दे सकती है, लेकिन ये जो वित्तीय सलाहकार है ये इनको गुमराह किए जा रहे हैं। इन्होंने पिछली सरकार को भी खत्म किया, इस सरकार को भी खत्म करने पे तुले हैं। साथियों, साथियों जैसा कि टेक राम जी ने भी कहा, भी एक एक अधिकारी के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, एक एक माननीय के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। अगर भाई आर्थिक संकट है तो इस तरह की फिजूल खर्ची क्यों? इसका मतलब है आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। साथियों, अगर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एक एमएलए को कंपनसेटरी अलाउंस कितना मिलता है, 5,000 रुपया।